Hi everyone. Please let me know if the audio and video both are fine or not. Hi everyone. So let's start the session here. This is the second class. Okay, so everything is fine. Okay, so this is the second class for the same environment and ecology through MCQs हम discuss कर रहे हैं. Current affairs as well as static portion, both the portions. Okay, current affairs plus static from environment and ecology. My name is Vinita and I'm a verified educator on Unacademy. And on Unacademy, I've been teaching in UPSC CSE category for last 1.5 years now. Also, I'm taking live classes on Unacademy Plus website, Unacademy Plus platform. Alright. And mere jo courses hai, those are Indian geography, uske baad physical geography, and then environment and ecology. The most popular course, environment and ecology. By most popular, I means ki UPSC mein hamesha prelims ke andar there are more than 25 to 30 questions always there from environment and ecology section segment. यहाँ पर आप अनअकैडमी प्लस के कोर्सेज के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो. सारे कोर्सेज के लिए ऑल एट वन टाइम अगर आप सब्सक्राइब करते हो मंथली, हाफ ईयरली और ईयरली प्लान में. हाफ ईयरली और ईयरली में आपको 6 मंथ्स एंड 1 ईयर के जो कोर्सेज होंगे वो सारे आप एक्सेस कर पाओगे. ऑल द पॉसिबल ऑल द अवेलेबल कोर्सेज जितने भी लॉन्च्ड है सारे क्लासेज आप अटेंड कर सकते हो. PDF क्विजेज, लाइव क्विजेज ले सकते हो, मेगा क्विजेज एट द एंड ऑफ द कोर्स, और डाउट सेशंस होते हैं, सेपरेट डाउट सेशन होते हैं एवरी 4th डे में. तो आप डाउट्स भी अपने रिजोल्व करवा सकते हो और रिविजन भी आपका साथ के साथ होता रहेगा. रिविजन विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग UPSC में, नहीं तो आप सब कुछ भूल जाते हो. तो यहाँ पर हाफ ईयरली और ईयरली आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि इट इज़ नॉट ए जर्नी ऑफ मंथ्स. और आपको कम से कम भी 6 मंथ्स, कम से कम भी 1 ईयर अगर आप 2020 के लिए अपियर होना चाहते हो, 2019 में अगर अपियर हो रहे हो तो 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपके लिए सही रहेगा. क्योंकि इवन इफ अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो आप मेंस के कोर्सेज आपके पास रहेंगे. मेंस के कोर्सेज भी अभी लॉन्च्ड है, ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्च्ड है, एसे राइटिंग कोर्स, GS पेपर 2, 3, 4 सारे कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च्ड है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. MVinita450 is my referral code. MVinita450 is my referral code to get 10% discount, 10% off on Unacademy Plus courses. So let's start it. So कहाँ पर थे last time, हम कहाँ पर थे last time, कहाँ पर थे हम? ये वाला question मैंने आपको दिया था और आपने answer किया था शायद comment section में. Ananya and a lot of people had answered. So उसका मैं right answer आपको बता देती हूँ. सो वी वर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक जो स्पीसीज आता है उसका मुझे IUCN स्टेटस पता करो कि कौन से IUCN स्टेटस उसका क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या एंडेंजर्ड है. जनरली जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है वी आर सपोज टू रिमेंबर दोज. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. लायन टेल्ड मकाक वेस्टर्न गार्ड्स के अंदर है क्या? रेड सेंडर्स ईस्टर्न गार्ड्स, हुलॉक गिबोन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? 1 and 2 only, 3 only, 1, 2 and 3, none of the above. Hi Ashok, hi everyone. So please tell me the answer of this question. इसका आंसर बताओ मुझे. देखो हुलॉक गिबोन, यस हुलॉक गिबोन जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है. नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना कि सबसे अपर मोस्ट जम्मू एंड कश्मीर हिमालय वाले रीजन में याद रखो क्लाउडेड लेपर्ड है और रेड पांडा. रेड पांडा, क्लाउडेड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड आप याद रख सकते हो. इनका IUCN स्टेटस आपको पता होना चाहिए.
उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आप हुलॉक गिबोन और गोल्डन लंगूर हो गया, या फिर काजीरंगा के अंदर वन हॉर्न राइनोसिरोस पाए जाते हैं। इसके अलावा ईस्टर्न इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ईस्टर्न इंडिया में एक तो आपके क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, उड़ीसा वाले जो कोस्ट है वहाँ पर मगर क्रोकोडाइल्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स की स्पीसीज, ओलिव राइडले टर्टल्स, ये सब पाए जाते हैं। वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में रेड सेंडर्स जो है वो ईस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। रेड सेंडर्स एक वुड है, क्यों फेमस है, एरोमेटिक कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अच्छी वुड है, इसलिए रेड सेंडर्स जो है वो यूज़ की जाती है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है वो किया जाता है। ये शेषाचलम हिल्स में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के अंदर प्राइमरीली ये पाई जाती है। ओके, इसके अलावा लाइन टेल्ड मकाक के लिए डेफिनेटली आपका जो वेस्टर्न घाट्स है, लाइन टेल्ड मकाक हो गया, नीलगिरी टार हो गए, उनके लिए वेस्टर्न घाट्स पॉपुलर है। इसके अलावा एलिफेंट्स हो गए, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, टाइगर्स हो गए, टाइगर्स लार्जेस्ट, एलिफेंट भी लार्जेस्ट कर्नाटका के अंदर पाए जाते हैं। ओके, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो वेस्टर्न कोस्ट के अंदर गुजरात के अंदर आपके गिर नेशनल पार्क है, वो किसके लिए फेमस है, एशियाटिक लायन और कौन से वहाँ पर पाए जाते हैं गिर नेशनल पार्क के अंदर। हिंदी में ही बोल रहे हैं, ज़्यादा टफ लैंग्वेज यूज़ नहीं हो रही है, सो इसके बारे में आपको याद रखना है। सो यस, वन एंड टू ओनली इज़ द राइट आंसर, लाइन टेल मकाक इन वेस्टर्न घाट्स, रेड सेंडर्स ईस्टर्न घाट्स, हुलॉक गिबोन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आगे आपका क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्लाउडेड लेपर्ड, चीता, ब्लैक नेक्ड क्रेन, पेंगोलिन, इनमें से कौन कौन से नेचुरली पाया जाता है इंडिया के अंदर, नेचुरली इंडिया के अंदर पाया जाता है। वन टू एंड थ्री ओनली, वन थ्री एंड फोर ओनली, टू एंड फोर ओनली, वन टू थ्री एंड फोर, ऑल ऑफ द अबव, सो विच वन शुड बी द राइट आंसर हियर। अच्छा, चीता का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, चीता का कंजर्वेशन स्टेटस क्या, कौन कह रहा है एक्सटिंक्ट है, नो मोर चीता। अच्छा, चीता का कंजर्वेशन स्टेटस बताओ मुझे। आपका आंसर सही है, बी इज द राइट आंसर, वन थ्री एंड फोर ओनली, चीता का कंजर्वेशन स्टेटस बताओ। इसमें से हर एक क्वेश्चन से ना थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश किया करो, फास्ट डिस्कस करो, सिर्फ जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है ना क्वेश्चन में उतनी ही पढ़ पाओगे फिर तो आप। वन थ्री एंड फोर ओनली इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज रिटन टू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टू रिवाइव द प्लान टू री इंट्रोड्यूस चीताज इन द स्टेट नोरादेही सेंचुरी, नोरादेही सेंचुरी के अंदर चीताज को री इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये बोला है। द एम्बिशियस प्रोजेक्ट इट वॉज कंसीव्ड इन 2009, एक्सटिंक्ट नहीं है, इट्स नॉट एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल कैटेगरी में है, चीता इज इन वल्नरेबल कैटेगरी, ठीक है। चीता जो है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द बिग कैट स्पीसीज विद एंसेस्टर्स दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू मोर देन 5 मिलियन ईयर्स टू द मियोसीन इरा, तो इतना ज़्यादा आपको नहीं याद रखना। इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया था इंडिया के अंदर 1952 में, इसके बाद इसको रिवाइवल प्लान्स इसके चले हुए हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज हैं और ये स्पीसीज का नाम है, वेल नॉन फॉर विच स्पीसीज, मानस पिग्मी हॉग, रणथंभौर टाइगर, इराविकुलम नीलगिरी टार, वन ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री, इन सारों के IUCN स्टेटस भी आप बताना, नोरादेही सेंचुरी।
यस द राइट आंसर वुड बी डी 1, 2 and 3 सारे इसमें सही हैं, सारे तीनों इसमें सही हैं. मानस पिग्मी हॉग, रणथंबोर इज नॉन फॉर टाइगर, इराविकुलम नेशनल पार्क अगेन शोला फॉरेस्ट के अंदर है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर है, तो नीलगिरी टार के लिए जाना जाता है. राइट, यहाँ पर लायन टेल मकाक भी हो सकता था. ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर 1, 2 and 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इनमें से कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है. वेस्टर्न घाट्स, केलादेव नेशनल पार्क, सिरिस्का नेशनल पार्क, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क. इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट. वेस्टर्न घाट्स, केलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क. यस, सी इज द राइट आंसर. हाँ, सी आएगा यहाँ पर, ये अलग से गलत मार्क है. सी इज द राइट आंसर ईयर, सरिस्का नेशनल पार्क जो है, इट इज़ नॉट ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट. आगे आपका क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स प्रोटेक्टेड एरियाज एंड रिवर फ्लोइंग थ्रू दैम, उनके थ्रू जो रिवर फ्लो करती है. सो राजा जी नेशनल पार्क, गोमती रिवर, डांडेली नानशी नेशनल पार्क, काली गंगा रिवर, पीलीभीत नेशनल पार्क, गंगा रिवर. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, 1 and 2 ओनली, 3 only, 1 and 3 only or none of the above. The none of the above is the right answer. None of the above is the right answer. Yes, none of the above is the right answer. राजा जी नेशनल पार्क से गंगा रिवर फ्लो करती है. डांडेली अंशी, ये मुझे बताओ ये कहाँ पर लोकेटेड है, वेयर इट इज़ लोकेटेड, वेयर इट इज़ लोकेटेड, इसकी लोकेशन बताओ मुझे. काली रिवर इसके थ्रू फ्लो करती है. पीलीभीत से गोमती रिवर फ्लो करती है. काली गंगा जो कि शारदा भी बोला जाता है, इसको शारदा रिवर, हेड स्ट्रीम है घाघरा रिवर की, इट इज़ ए रिवर इन उत्तराखंड. थ्रू डांडेली अंशी से काली टाइगर रिजर्व भी है वहाँ पर, तो काली नंदेवर करती है. मैंने आपसे पूछा है कहाँ पर ये सिचुएटेड है, आपको पता होना चाहिए. द रिवर गोमती इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इन सारों का पता होना चाहिए, सारे कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है. अभी तो काफ़ी रिविजन, काफ़ी टाइम से रिविजन आपका हो गया होगा. आगे आपका क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, FEE, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन. पहला ऑप्शन है, इट इज़ ए गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूनेस्को, यूनेस्को के अंदर है. द सर्टिफिकेशन ऑफ ब्लू फ्लैग फॉर बीचेज एंड मरीन्स इज सिचुएटेड, इशूड बाई दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, मरीनास. द मिशन ऑफ द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन इज टू इंगेज एंड एम्पावर पीपल, हाँ कर्नाटक के अंदर है, थ्रू एजुकेशन इन कोलेबोरेशन विद देयर मेंबर्स एंड पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 only. FEE फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में है. इट इज़ ए गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूनेस्को. सर्टिफिकेशन ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है इसके द्वारा इशू किया जाता है. और ये क्या करती है, इंगेज करती है, एम्पावर करती है पीपल को थ्रू एजुकेशन इन कोलेबोरेशन विद देयर मेंबर्स एंड पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड. ये नॉन गवर्नमेंटल नॉट फॉर प्रॉफिट है क्या, ये भी मुझे बताना कि नॉन गवर्नमेंटल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है क्या, एनजीओ है क्या, ये एनजीओ है क्या बेसिकली.
BD, it is an NGO. Yes, Shashidhar, it is an NGO. NGO है ये. तो यहाँ पर B is the right answer, 2 and 3. Governmental organization नहीं है ये. ये एक NGO है और इसका काम क्या होता है? ये basically काम क्या करती है ये? Sustainable development through environmental education इसका काम होता है. Recently, blue flag certification जो है, इंडिया के कौन से बीच को दिया गया है? Blue flag certification is awarded to which बीच इन इंडिया, कौन से किसको दिया गया इंडिया के अंदर, जो कि एशिया में पहला सर्टिफिकेशन जो है वो मिला है. ये एक्टिव है, इसके 5 प्रोग्राम्स मेनली चलते हैं, ये चीज़ याद रखना. ये इस बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 5 प्रोग्राम्स इसके चलते हैं. एक तो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम चलता है जो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, और ये किसके लिए दिया जाता है ये आप बताओ मुझे. इसके अलावा इको स्कूल्स इसके द्वारा एस्टेब्लिश किए गए, इको स्कूल्स मतलब चलाए जाते हैं. इसके अलावा यंग रिपोर्टर्स फॉर द एनवायरनमेंट ये थर्ड प्रोग्राम है जो इसके द्वारा चलाया जाता है. उसके अलावा इसके पास चलते हैं लर्निंग अबाउट फॉरेस्ट ये प्रोग्राम चलाया जाता है. इसके अलावा ग्रीन की इंटरनेशनल ये 5 जो प्रोग्राम्स हैं ये इसके अंडर, ये 5 प्रोग्राम्स के थ्रू ये काम करती है. चंद्रभागा बीच, यस दैट्स राइट, कहाँ पर लोकेटेड है ये भी बता देना. ब्लू फ्लैग, इको स्कूल्स, यंग रिपोर्टर्स फॉर एनवायरनमेंट और लर्निंग अबाउट फॉरेस्ट और ग्रीन की इंटरनेशनल, ये 5 इसके एक्टिव प्रोग्राम्स हैं FEE के, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन. आगे आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है इसके अंदर. फर्स्ट ऑप्शन है, इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी टू द CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इंडिया ने साइन नहीं किया हुआ है. वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन डज नॉट हैव ए बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी. वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन डज नॉट हैव एनीथिंग लिंकेज विद द बायोडाइवर्सिटी. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज डिजाइन टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंसेस, बोथ ए एंड बी. सो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? हाँ, उड़ीसा सही है, चंद्रभागा बीच सही है. तो इसमें जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी बोथ ए एंड बी. नॉट करेक्ट यहाँ पर पूछा हुआ है, सो बोथ ए एंड बी आर नॉट करेक्ट. CBD, व्हेन वी टॉक अबाउट CBD, इसका मेन पर्पज है टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. नाम से पता चला है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी है. इट वॉज साइंड इन 1990, इट केम इन टू बींग इन 1992. मतलब इसका पहले जो प्रपोजल रखा गया था वो अर्थ समिट के टाइम पर रखा गया था 1992 में. इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द CBD, इंडिया जो है सिग्नेटरी है. एंड वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हैव ए बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी. इसके अंदर एक कैटेगरी होती है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो होती है उसके अंदर एक कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी का नाम होता है नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. ठीक है, तो उसके अंदर CBD को कंसिडर किया जाता है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आपको पता है CFC को रिड्यूस करने के लिए था, CFC को फेज आउट करने के लिए, और बाकी जो ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंसेस है उनसे रिलेटेड, उनका प्रोडक्शन रिड्यूस करने के लिए, कंजम्पशन रिड्यूस करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था. इसका मुझे बताओ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बाइंडिंग है क्या? और उसके बाद इसका जो सेकेंड फेज है, इसका जो अमेंडेड फेज है किगाली अमेंडमेंट, वो बाइंडिंग है क्या? इनमें से कौन सा बाइंडिंग है और किगाली अमेंडमेंट में क्या चेंज है ये भी आप मुझे बताओ, और कब से वो लागू है. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कब से वो इम्प्लीमेंटेड है, कब से इम्प्लीमेंट किया गया. आगे आपका क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. इट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 only 2 and 3 only 2 only 1 2 and 3. किगाली इज नॉट बाइंडिंग एंड इट इज फॉर HFCs. दीपक शर्मा, एक बार फिर से आप अपने स्टेटमेंट पढ़ो. किगाली इज नॉट बाइंडिंग.
मॉन्ट्रियल डेफिनेटली आ रही है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज नॉट बाइंडिंग. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो बाइंडिंग नहीं है. 1 जनवरी 2019 से किगाली अमेंडमेंट का फेज चला हुआ है. मॉन्ट्रियल इज नॉट बाइंडिंग दीपक. इट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर. नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. यस, इसमें जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी बी 2 एंड 3 ओनली. ये स्टैचूटरी बॉडी तो है बट इट इज नॉट अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कि हमारा ओनली एक्ट है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. सो ये इसमें 2 एंड 3 सही है. चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, वो भी सही है. ठीक है, तो चेयरमैन जो है इट इज चेयर्ड बाई प्राइम मिनिस्टर एंड इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. कल ही मैंने आपको बताया था कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और आपके जो नेशनल पार्क्स हैं, आपके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, दोज आर प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट ग्लोबल स्टॉक टेक. स्टॉक टेक, ग्लोबल स्टॉक टेक के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. प्रपोज्ड फोर ईयरली रिव्यू है ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्शन अंडरटेकन बाय द कंट्रीज. सेकेंड ऑप्शन है अंडर द पेरिस एग्रीमेंट द फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक विल हैपन इन 2020. थर्ड ऑप्शन है इट विल हेल्प वर्ल्ड टू डिटरमिन वेदर इट नीड्स टू डू मोर एंड हाउ मच मोर नीड्स टू बी डन. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ग्लोबल स्टॉक टेक. अभिनंदन, ये करंट अफेयर्स में रहा था ना, ग्लोबल स्टॉक टेक मीटिंग भी हुई थी, डेवलपिंग कंट्रीज़ की अभी मीटिंग हुई थी. वो उन्होंने ये बोला था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को क्या क्या वो लेने पड़ेंगे, एक्शंस लेने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज. और ग्लोबल स्टॉक टेक की बात सबसे पहले चली थी पेरिस एग्रीमेंट में, और अभी जो कैटोवाइस एग्रीमेंट हुआ है उसमें डिसाइड भी हुआ ग्लोबल स्टॉक टेक के बारे में. देखो सारे इसमें सही नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट ए फोर ईयरली रिव्यू प्रोग्राम. इसके बारे में सुन लो इम्पोर्टेंट चीजें. एक तो वेट अ मिनट, इट इज नॉट ए फोर ईयरली रिव्यू प्रोग्राम, ये फाइव ईयरली होगा. और पहले सेकंड स्टेटमेंट सही है कि इम्पैक्ट को असेस करेगा. इट विल असेस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्शंस अंडरटेकन बाय द कंट्रीज अंडर द पेरिस एग्रीमेंट. फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक जो होगी वो 2020 में नहीं होगी. ये फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक जो है वो 2023 के अंदर होगी. फाइव ईयरली साइकिल्स के अंदर रिव्यू मीटिंग होगी. एवरी कंट्री मस्ट प्रेजेंट ए क्लाइमेट एक्शन प्लान. उस टाइम पर हर एक जो कंट्री है उसको एक क्लाइमेट एक्शन प्लान प्रेजेंट करना होगा फाइव ईयरली साइकिल्स के अंदर. 2023 में फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक इज गोइंग टू हैपन. ओके, तो ये चीज याद रखना. तो और थर्ड स्टेटमेंट इसकी सही है कि इम्पैक्ट ये असेस करेगा कि कितना ज्यादा मतलब टारगेट अचीव कर लिया हो, कितना और अचीव करना है, व्हाट नीड्स टू बी डन इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट्स. आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है WHO अलायंस फॉर गेट 2020 फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज. गेट 2020 program it focus on elimination of which of the following diseases TB, smallpox, trachoma and other yellow fever. इसके बारे में इसका जो भी आंसर है ना उससे रिलेटेड मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना कि what this disease is all about, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इंडिया का क्या स्टेटस है. Wait a minute. Please let me know.
ओके अभी सही है. ओके या इसमें जो राइट आंसर होगा सी वुड बी द राइट आंसर. इंडिया ने अभी एक प्रोग्राम 2017 में ये बोला था कि इंडिया इज फ्री फ्रॉम दिस डिजीज. ठीक है, प्रोग्राम्स इसके चलाए जाते हैं. ये है क्या, ये क्रॉनिक इन्फेक्टिव डिजीज है, आई डिजीज है, इट इज रिलेटेड टू आई. ठीक है, अर्लियर वॉज बेड, ये आई डिजीज है. और अभी अभी अगर ऑडियो में इशू आता है तो प्लीज़ मुझे बता देना. क्रॉनिक इन्फेक्टिव डिजीज ऑफ द आई एंड इज लीडिंग कॉज ऑफ द इन्फेक्टिव ब्लाइंडनेस ग्लोबली. इट इज़ अ डिजीज ऑफ पुअर एनवायरमेंटल एंड पर्सनल हाइजीन एंड इनएडिक्वेट एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन. ये अफेक्ट करती है, आईलिड्स को अफेक्ट करती है. रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है, आई डिजीज है. नेपाल ने रिड्यूस कर लिया यह संकेत, ये मैं सुनना चाहती थी क्योंकि ये न्यूज़ में था. इट इज़ हाईली नेग्लेक्टेड डिजीज इन पुअर कंट्री. इट इज़ WHO ग्लोबल प्रोग्राम्स डेफिनेटली. आगे आपका क्वेश्चन आता है द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन. इट एम्स टुवर्ड्स, फर्स्ट ऑप्शन है सोशल डेवलपमेंट, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप बोल सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ओशियन रिम रीजन, एनहांसिंग सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम पायरेसी, ट्रेड फैसिलिटेशन एज वेल. ट्रेड फैसिलिटेशन, वन एंड टू ओनली, वन एंड थ्री ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री ओनली. IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन. इसके पाकिस्तान एंड चाइना मेंबर हैं क्या, पाकिस्तान एंड चाइना, और पाकिस्तान एंड चाइना इट्स मेंबर्स. 1977 में इट वाज एस्टेब्लिश्ड और इसका जो क्या कहते हैं 22 मेंबर स्टेट्स हैं इसके अंदर, 22 मेंबर स्टेट्स हैं. ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट हियर. इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसके 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं, ये 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं, मैरिटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, फिशरीज मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, academic and scientific cooperation and tourism promotion in this area and cultural exchanges as well. म्यांमार भी नहीं है, पाकिस्तान चाइना नहीं है. यस, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या आई ओ आर ए के, तो ये सारी चीज़ें सेम ही वही सब आप समझ जाओगे वहाँ पर, क्योंकि लिटरल कंट्रीज़ के बीच में ये अग्रीमेंट है, ये एसोसिएशन, ये इनिशिएटिव जो है इंडियन ओशन के जो कोस्टल कंट्रीज़ हैं ना, कोस्टल स्टेट्स हैं, उनके बीच में. पाकिस्तान एंड चाइना आर डेफिनेटली नॉट द मेंबर्स, ये सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं. ठीक है, ये सारे, म्यांमार भी नहीं है, ना म्यांमार है, ना पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, ना चाइना है. सो ये चीज़ आपकी इसके बारे में याद रखनी है. ऑस्ट्रेलिया इज ए मेंबर, UAE इज ए मेंबर, ओमान इसका मेंबर है, येमेन इसका मेंबर है, इधर मेडागास्कर, ये सारे जो है अफ्रीका के, ये सारे मेंबर्स कंट्रीज जो है इसके मेंबर स्टेट्स हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन्स, इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है ना 10 नॉटिकल माइल्स तक इको सेंसिटिव जोन्स विल बी डिक्लेयर्ड. तो फर्स्ट ऑप्शन है दिज आर द एरियाज दैट आर डिक्लेयर्ड अंडर WPA, WPA के अंदर ये डिक्लेयर किए जाते हैं, पहला स्टेटमेंट कहता है. दूसरा स्टेटमेंट आपका कहता है कि डिक्लेयर करने का एक ही पर्पज़ होता है कि वहाँ पर सारी काइंड ऑफ, ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ विल बी प्रोहिबिटेड. जो भी इको सेंसिटिव एरियाज होंगे वहाँ पर किसी भी तरीके का ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हो सकता है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट मेंशंस इको सेंसिटिव जोन्स एज एरियाज ऑफ अटमोस्ट प्रोटेक्शन. करेक्ट आंसर आपको बताना है, वन ओनली, टू एंड थ्री ओनली, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना सारी स्टेटमेंट, दिस इज ए ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये. मॉरिशस हेडक्वार्टर, यस, 1997 में ये फॉर्म हुआ था, 1977 में नहीं, ऑलराइट, सॉरी अगर मैंने यहाँ पर 1977 बोला था, शायद 1997 के अंदर ये फॉर्म हुआ था. तो इसका आंसर मुझे बताओ. अच्छा,
अच्छा थर्ड स्टेटमेंट सही है क्या? अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, इज इट राइट और रॉन्ग, ये सही है या गलत है? तो आपका आंसर सही है यहाँ पर, मुझे थर्ड स्टेटमेंट बताओ। थर्ड स्टेटमेंट नन ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट है, एक तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये याद रखना, ईपीए एक्ट जो है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इट डज नॉट मेंशन द वर्ड इको सेंसिटिव जोन्स। इको सेंसिटिव जोन्स इज नॉट मेंशनड इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री टू डिक्लेयर 10 किलोमीटर एरिया अराउंड 21 नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अक्रॉस द कंट्री एज इको सेंसिटिव जोन्स। तो ये न्यूज़ में था, तो आपसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है किसी भी एरिया को, इन विच एनी इंडस्ट्रीज ऑपरेशंस और प्रोसेसेस शैल नॉट बी कैरीड आउट। अगर वहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप करनी है तो ऑब्वियसली उसमें सर्टेन सेफगार्ड्स उसमें लेने पड़ेंगे, जैसे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, तो उसके अंदर भी तो एक प्रोविज़न होता है ना कि विद अमेंडमेंट और विदाउट अमेंडमेंट उस प्रपोजल को अगर अप्रोच करना है, अप्रूव करना है, तो थोड़े बहुत सेफगार्ड्स उसके अंदर लिए जा सकते हैं। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ पर पहली बात तो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर होता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है, सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती हैं। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गई, माइंड्स हो गई, वो सब यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड होता है। थर्ड ऑप्शन गलत है क्योंकि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कहीं से भी इको सेंसिटिव जोन को डिफाइन नहीं करता है। थर्ड इज नॉट राइट दीपिका, थर्ड इज़ नॉट राइट। वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नोवेयर मेंशंस द वर्ड इको सेंसिटिव जोन, ये वर्ड कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ओके, तो इको सेंसिटिव जोन इट इज डिक्लेयर्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आई पी बी ई एस के बारे में। IPBES के बारे में, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, इट हैज़ द यूनिवर्सल मेंबरशिप ऑफ ऑल द यूनाइटेड नेशन स्टेट। सारे यूनाइटेड नेशंस के जो स्टेट है वो इसके मेंबर हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि सारों ने ज्वाइन किया हुआ इसको। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द यूएनईपी एडमिनिस्टर्ड प्रोग्राम है। थर्ड स्टेटमेंट इज साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड करंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू द वर्क ऑफ IPBES ऑन ए वॉलंट्री बेसिस। साइंटिस्ट जो है इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन द वॉलंट्री बेसिस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 1 and 3 ओनली, 1 only, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। क्विकली टेल मी द राइट आंसर रिलेटेड टू IPBES, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इको सिस्टम सर्विसेज। यहाँ पर आगे कुछ भी कवर नहीं है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। सी बोल रहे हो 2 and 3 इज द राइट आंसर। यस, 2 and 3 ओनली इज द राइट आंसर बिकॉज ऑल यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स आर नॉट इट्स मेंबर्स। ऑलराइट, मिशन इसका क्या है? व्हाट इज द मिशन ऑफ IPBES? पहले तो ये 2012 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ओवर 100 गवर्नमेंट्स हैज एस्टेब्लिश्ड इट एज ए मैकेनिज्म टू प्रोवाइड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट फ्रॉम पॉलिसी मेकर्स। It has been placed under UNEP, FAO, UNDP, UNESCO and administered by UNEP. UNEP administered है, और इसमें साइंटिस्ट जो होते हैं वॉलंट्री बेसिस पर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। और साइंटिस्ट को नॉमिनेट कौन करता है, ये भी आपसे ऑप्शन दिया जा सकता है। साइंटिस्ट आर नॉमिनेटेड बाई देयर गवर्नमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन, या कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है या उस नेशन की उस गवर्नमेंट के द्वारा
वो सेलेक्ट किए जाते हैं. इसका मेन पर्पस क्या होता है, टू स्ट्रेंथन द साइंस पॉलिसी इंटरफेस फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज. आगे आपका क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो. वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी. इट एडवाइजेज द गवर्नमेंट ऑन इश्यूज रिलेटिंग टू वाइल्ड लाइफ क्राइम्स हैविंग नेशनल एंड इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस. वन ओनली, टू ओनली, बोथ, वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू. यस यस आर्यना, ऑल यूएन स्टेट्स कैन ज्वाइन. सारे ज्वाइन कर सकते हैं बट दे आर नॉट ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. वो सारे मेंबर्स हैं नहीं, दे कैन ज्वाइन. सो राइट आंसर इज 3, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. तो क्वाइट सिंपल इट वॉज. वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. WPA एक्ट के अंदर ये एस्टेब्लिश्ड है. इट बिकेम ऑपरेशनल इन 2008. रिसेंटली इसको एक अवार्ड में मिला, एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड 2018. UNEP ने ये अवार्ड जो है इसको दिया है WCCB को. UNEP हैज अवॉर्डेड WCCB विद एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड 2018. इट इज ऑल्सो पार्टनरिंग विद सम ऑफ द अब्रॉड इंस्टीट्यूशन एज वेल. यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी एंड अदर इनिशिएटिव्स के साथ ये कोलेबोरेशन से काम करती है. ये अवार्ड जो है इनोवेटिव कैटेगरी में दिया गया क्योंकि कई सारे ऑनलाइन पोर्टल वगैरह जो चल रहे हैं इन ऑर्डर टू कम्बैट वाइल्ड लाइफ क्राइम, तो उसके लिए दिस अवार्ड हैज बीन ग्रांटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव. बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय, किसके द्वारा मैनेज्ड है. एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक. इनमें से कौन सा आंसर सही है. Yes, it has created digital platform. Yes, Ankit, digital platform to combat wildlife crime. Biocarbon Fund Initiative. Seriously, guys, जो REDD है, रिड्यूसिंग फॉरेस्ट फॉरेस्ट विद डिग्रेडेशन, तो REDD के अंदर ही तो है ये फंड, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव. तो कई बार रिविजन कर लिया होगा ना आपने स्टैंडर्ड बुक का, फिर भी आप UNEP बता रहे हो. वर्ल्ड बैंक, यस, डी इज द राइट आंसर. वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव, वर्ल्ड बैंक के द्वारा मैनेज किया जाता है बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव. मल्टीलेटरल फंड है एंड सपोर्टेड बाई डोनर गवर्नमेंट्स एंड मैनेज्ड बाई द वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक मैनेज करता है. इट सीक्स टू प्रोमोट REDD+ प्रोग्राम. REDD+ प्रोग्राम को प्रोमोट करने के लिए, REDD+ क्या है, रिड्यूसिंग फॉरेस्ट रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट डीफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन. इंडिया इसका पार्टिसिपेटरी, इंडिया ने इसको वो किया हुआ है, इंडिया ने इसको अग्री किया हुआ है. आगे आपका क्वेश्चन आता है, CBAT 2030 रिसेंटली इन द न्यूज इज CBAT 2030. अब मुझे इसके नाम बताओ कि ये किस किस के बीच में है और इसके पार्टनर जो जिन्होंने इसको लॉन्च किया हुआ ये. इट इज़ एन इनिशिएटिव टू मैप द वर्ल्ड्स ओशियन फ्लोर. ए कंसोर्शियम ऑफ गवर्नमेंटल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस. इट एम्स टू एक्सेलरेट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन डीप सी माइनिंग. डीप सी माइनिंग से रिलेटेड है क्या. और पहला ऑप्शन है वर्ल्ड के ओशियन फ्लोर को मैप करेगा विच इज अनएक्सप्लोर्ड एरिया, विच इज़ अ मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड एरिया. नासा का सबमर्सिबल ऑटोनोमस व्हीकल है टू एक्सप्लोर टाइटन सीज, टाइटन विच इज द मून ऑफ सैटर्न. ए क्लीन अप एक्सरसाइज है टू रिड ऑल ओशियंस ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स पॉल्यूशन बाय 2030.
Yes, A is the right answer. To map world's ocean floor. To map world's ocean floor. तो इससे related सारी information हम देख लेते हैं. Seabed 2030, UN-backed project is pooling the data from the countries and companies to create a map of the entire ocean floor. Entire ocean floor, which is quite unexplored area. It aims to bring together all available bathymetric data to produce the definitive map of the world ocean floor. Target year kya hai? 2030. Isiliye naam diya gaya 2030. Kis kis ka project hai ye? Collaborative project hai Nippon Foundation and GEBCO. That is General Bathymetric Chart of the Oceans. Yaad rakhna ye dono cheeze important hai. Nippon Foundation plus GEBCO. ठीक है तो इससे रिलेटेड याद रखना आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन से को टारगेट कर रहा है 14 गोल को टारगेट कर रहा है एसडीजी 14 तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं एसडीजी 14 टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशियंस द सीज एंड द मरीन रिसोर्सेज एज वेल ओके ठीक है इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ मैपिंग एक्सपर्ट है ये विच एम्स टू प्रोवाइड मोस्ट ऑथोरिटेटिव पब्लिकली अवेलेबल डेटा ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियंस ठीक है ये भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड अगर ज़्यादा डेप्थ में जाओ तो जॉइंट कोलैबोरेशन से बना हुआ इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को इन दोनों का जॉइंट ये वो है ऑल राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट बोन कन्वेंशन बोन कन्वेंशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals इसको ये भी बोलते हैं क्या It is also known as CMS or the Bonn Convention. The convention was signed in 1979 and entered into force in 1993. Only one and two, only one, only two, all are true. निधि आप एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक जो है वो पढ़ सकते हो शंकर आईएएस Environment and Ecology or you can join my course on Unacademy Plus as well जो कि अभी चल रहा है 15th of March से चल रहा है अगर आप सब्सक्राइब करो तो M Vinita 450 is my referral code to get discount तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए ओनली वन एंड टू कन्वेंशन वॉज साइंड इन 1979 एंड इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1983 ऑलराइट और पहला स्टेटमेंट सही है कि माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ये कंजर्व करता है सीएमएस या बोन कन्वेंशन भी इसको बोला जाता है ओनली कन्वेंशन अंडर यूएनईपी है जो कि माइग्रेटरी एनिमल्स को और उसके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कन्वेंशन किसके अंडर है यूएनईपी के अंडर एनवेस्टर है ओनली कन्वेंशन है अंडर यूएनईपी विच प्रोवाइड्स ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन इंडिया जो है इसका मेंबर कंट्री है हाँ थर्ड इज रॉन्ग ठीक है साइट्स के बारे में कल हम पढ़ चुके हैं सो लेट्स नॉट गो थ्रू इट अगेन साइट्स कल पढ़ा था ना हमने साइट्स ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज आगे आपका क्वेश्चन आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है इट वॉज फाउंडेड एज ए रिजल्ट ऑफ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इन 1972 इट कोऑर्डिनेट्स UN's environmental activities assist developing countries in implementing environmentally sound policies and practices. It facilitates the transfer of knowledge and technology for sustainable development. Headquarter जो है Switzerland, Geneva, Switzerland के अंदर है One and two only, one, two and three, two, three and four, all of the above. यस तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा वन टू एंड थ्री आर द राइट आंसर हेडक्वार्टर इज इन नैरोबी केन्या
एमिशन गैप रिपोर्ट अभी रिलीज़ किया 2018 में. इसके अलावा ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक ये रिलीज़ करता है. ये 9th एडिशन है इस रिपोर्ट का. यूएनईपी ने ये रिलीज़ किया है. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. ऑलराइट, जून 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंदर इट केम इनटू बींग. स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एज ए रिजल्ट ऑफ दिस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट. नैरोबी केन्या के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, नॉट इन जेनेवा स्विट्जरलैंड. ऑलराइट, तो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना, पॉलिसीज प्रोग्राम्स गाइडलाइंस रिलीज करना, ट्रीटीज ऑन वेरियस इश्यूज जैसे कि हार्मफुल केमिकल्स को, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब इन सब के साथ ये डील करता है. आगे आपका क्वेश्चन आता है लाइटिंग ए बिलियन लाइव्स कैंपेन इज रिलेटेड टू प्रमोशन एंड यूज ऑफ द सोलर लैंटर्न्स, इंडिविजुअल फिलेंथ्रोफी टू इरेडिकेट प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल बेसिक इनकम फॉर ऑल इंडियंस, राइट टू लाइवलीहुड टू एवरी हाउस होल्ड इन द कंट्री. एक तो ये बताना ये कैंपेन किससे रिलेटेड है और ये कैंपेन है किसका, विच ऑर्गेनाइजेशन, विच इंस्टीट्यूशन इज रनिंग दिस कैंपेन, कौन सा कैंप, कौन रन कर रहा है इसको. यस, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ए होगा, प्रमोशन एंड द यूज ऑफ सोलर लैंटर्न. तो ये एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है ये इसको रन कर रहा है. ठीक है, तो इससे रिलेटेड काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था. ओके, द कैंपेन हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप कैन सपोर्ट रूरल डेवलपमेंट स्कीम पर्टिकुलरली इन द एरियाज ऑफ रूरल एरियाज के अंदर ये बेसिकली ये चल रहा है. इसके अंदर कई सारे इंटरवेंशन है, सर्व शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश, रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट एक्सेट्रा. आगे आपका क्वेश्चन आता है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एटमोसफियर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज अक्रॉस स्कीम के बारे में. अक्रॉस स्कीम एटमोसफियर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज, ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर है. तो आप मुझे बस ये बता दो पहला स्टेटमेंट सही है या गलत है. पहला स्टेटमेंट इज इट राइट और रॉन्ग, सही है या गलत है, क्योंकि इसमें पहले स्टेटमेंट के अंदर ही कुछ दिक्कत है. और इसका राइट आंसर क्या होगा, द स्कीम विल एम एट इम्प्रूविंग स्किल ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्ट थ्रू सस्टेन्ड ऑब्जर्वेशन, इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट and by adopting effective dissemination and communication strategies to ensure its timely reach to the end user. ये स्कीम जो है इसके अंदर 9 सब प्रोग्राम्स चल रहे हैं, 9 सब प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर. कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है? If it is wrong, then it is under which ministry? हाँ, तो बी इज द राइट आंसर. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ये प्रोग्राम है, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेटरी सिस्टम. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है. यहाँ पर ये इसके नीचे पीपीटी में कन्वर्ट किया था ना, तो इसलिए ऐसा हो गया. पीडीएफ में पेन नहीं चलता है. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर, तो ये 9 सब प्रोग्राम्स इसके अंदर चल रहे हैं, सब स्कीम्स इसके अंदर. सबने पढ़ा ही होगा इसके बारे में, करंट का ये तो एटमोसफेयर से रिलेटेड है, वेदर मॉनिटरिंग एंड ऑल ये सब इससे रिलेटेड है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट 2018. इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट, एक तो मुझे बताओ कि इसके अंदर कौन कौन सी, इस वेल्थ के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं. इंक्लूसिव वेल्थ की बात हो रही है ना यहाँ पर, कौन से सेक्टर्स आते हैं और इसके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं. पहला ऑप्शन है, ये इवेलुएट करता है द कैपेसिटीज एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द नेशंस अराउंड द वर्ल्ड टू मेजर सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी एंड वेल बींग ऑफ देयर पीपल. इट इज़ ए बायनियल रिपोर्ट, बायनियल लिखा हुआ है, बाई एनुअल नहीं है रिपोर्ट. इट इज़ लेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट. वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू.
यस, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है. यूएन एनवायरनमेंट, अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट जो है रिलीज की गई थी जिसमें पता चला कि 1/3 ऑफ द कंट्रीज जो है इंक्लूसिव वेल्थ जो है वो डिक्लाइन की गई की हुई है. 1/3 कंट्रीज के अंदर इंक्लूसिव वेल्थ जो है वो डिक्लाइन हुई है, बट देयर जीडीपी हैज इंक्रीज्ड. इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय द यूएन एनवायरनमेंट, बायनियल रिपोर्ट होती है ये. इसके अंदर कौन कौन सी कैपिटल कैलकुलेट होती है, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, दिस टुगेदर मेक्स अप द इंक्लूसिव वेल्थ. मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल में रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स, ह्यूमन कैपिटल में नॉलेज, एप्टीट्यूड, एजुकेशन, स्किल्स, ये नेचुरल कैपिटल का पार्ट होते हैं. फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, लैंड, सॉयल, सब सॉयल रिसोर्सेज, रिवर्स, एस्चुरीज एट्सेट्रा, ये सारी इसके अंदर आती हैं. ओके, आगे आपका क्वेश्चन आता है सी ग्रास. यहाँ पर मैं छोड़ रही हूँ, ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. सी ग्रास इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग ए बैलेंस इन द मरीन इकोसिस्टम. ये सी वीड्स मतलब लगा लो, ये सी वीड्स. तो कौन कौन सी कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस होंगी सी वीड्स के ग्रोथ के लिए. पहला ऑप्शन आपका है शेलो कोस्टल वाटर्स विद हाई टेम्परेचर. शेलो कोस्टल वाटर्स होना चाहिए हाई टेम्परेचर के साथ. इसका रीजन भी मुझे बताना कि अगर ये करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है. सैंडी ओशन बॉटम्स एंड क्लियर वाटर. तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए सी वीड्स कहाँ पर ग्रो करती हैं, फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या होती हैं. ओशन वाटर फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब बाई स्ट्रॉन्ग वेव्स एंड करंट्स. वन एंड टू ओनली, टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली. राइट, सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है सी वीड्स के बारे में. सो आई एम लीविंग दिस सेशन हियर एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर. वी विल मीट इन द ऑन द 22nd ऑफ मार्च. वी विल मीट ऑन 22nd ऑफ मार्च एट द सेम टाइम एट द यूट्यूब चैनल ऑफ अनअकैडमी. एंड ऑल्सो यू कैन जॉइन द प्लस कोर्स ऑन एनवायरमेंट. 15th ऑफ मार्च से चल रहा है. एम विनीता 450 इज माई रेफरल कोड, सो यू कैन जॉइन दैट एज वेल. अभी क्लासेज चल ही रही है, उसकी दो क्लासेज हो चुकी. So let's move.